नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कौशी। सुधा ने अंकुरित मूंग को अपने घर में एक गमले में लगाया। धीरे धीरे उसमें से पौधे निकलने लगे। वह रोज उन पौधों में पानी डालती है। आज सुधा कौन सी नई चीज सीख रही है, आइए सुनते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैडम, आप क्लास में पौधे क्यों लाई हैं? इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम सभी को अपना भोजन कहाँ से मिलता है? सुपरमार्केट से मैम। मैडम, हमारे घर में किचन से। मैम, क्या इसका उस पौधे से लेना देना है जो आप क्लास में लाई हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है सुधा तुमने। पौधे इस ग्रह पर एकमात्र जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते हैं। इस विधि को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अच्छा मैडम, ये तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया। एक और खास बात, इस ग्रह पर लगभग सभी जीवित प्राणियों को उनका भोजन किसके माध्यम से मिलता है? पौधों के माध्यम से। आप सब इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? मैडम, मैं मटन खाता हूँ, पर मैडम मटन पौधे से नहीं आता। सही कहा संतोष, लेकिन बकरी अपना भोजन घास, पौधों, पत्तियों से ही प्राप्त करती है। घास में? हाँ हाँ, जैसे हमको एनर्जी रोटी सब्जी दाल आदि खाने से मिलती है, उसी तरह बकरी को एनर्जी यानी ऊर्जा पौधों से मिलती है। और जब आप मांसाहारी भोजन खाते हो तो आपको इनडायरेक्ट वे से पौधों से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। वाह मैडम, यह बहुत शानदार है। हाँ तो चलो आज सब एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल मैडम? हाँ रुको, बताती हूँ। क्यों ना आप सब अपनी पसंद का भोजन मुझे बताएं और मैं आपको बताऊंगी कि वह भोजन किस पौधे से कैसे जुड़ा है। क्या सब पूरी तरह तैयार हैं? हाँ मैडम। अरे इसमें बहुत मजा आने वाला है, मुझे शुरू करने दो। मैं मछली पसंद करता हूँ। कुछ मछलियाँ केवल पानी में पौधे खाती हैं, कुछ अन्य प्रकार की मछलियाँ पौधे और कीड़े दोनों खाती हैं, और कीड़े बदले में पानी में शैवाल खाते हैं। मुझे दही पसंद है मैम। हम दूध से दही बनाते हैं और गाय से दूध आता है। और गाय क्या खाती है? घास। मुझे हनी पसंद है मैम। हम मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हैं। मधुमक्खियां फूलों से निकले गए अमृत से शहद बनाती हैं और फूल पौधे का हिस्सा होते हैं। मैडम यह गेम बहुत मजेदार है। मुझे लेमन राइस पसंद है मैडम। इसमें तो नींबू का इस्तेमाल होता है। हाँ मैम। नींबू का पौधा एक फल है और चावल धान के पौधे का एक दाना। ओह, आ गया मैडम समझ में। तुम सब एक एक्टिविटी क्यों नहीं करते हो? अपनी पसंद के 10 खाद्य पदार्थों की पहचान करो और ये किस पौधे से कैसे जुड़े हैं, और इसके साथ एक चार्ट बनाकर कल स्कूल लेकर आओ। तो ये एक्टिविटी आज आप सभी का होमवर्क है। मुझे उम्मीद है आपको ये करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है मैडम। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट
यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट, तो सुनना ना भूलें। राधा मैम ने बच्चों को तो उनका होमवर्क बता दिया, पर आपका होमवर्क क्या है? हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजें और बताएं कि आपका पसंदीदा भोजन क्या है और वो किन पौधों से कैसे जुड़ा है। व्हाट्सएप नंबर है 9813164542, यानी 9813164542। तो फिर मिलेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान के अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।